क्रूड ऑयल का है 5666 का, 5666 का। लो पोस्ट हुआ है 5593 का, हाई पोस्ट हुआ है 5750 का। एक दिन 4-8 दिन पहले जब गैप डाउन ओपनिंग हुई थी क्रूड की, उसके बाद फिर बाउंस बैक दिया था। तब थोड़ा जल्दबाजी हो गई थी हमसे, कह दिया था मैंने कि क्रूड खरीदारी करने के पहले सोच लेना। उस दिन तो रिग्रेट हुआ होगा, लेकिन आज वो बात सत्य होती नज़र आ रही है। क्रूड ऑयल अभी चल रहा है 5664, इसका हाई 5750 का, लो है 5593 का। पहला सपोर्ट 5650, ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल के आसपास है। 5615 और 5530, 5530 अगर कट जाता है तो ये मत सोचिएगा कि टूटने के लिए जगह नहीं है। यूजुअली जब बाजार सस्ता हो जाता है तो उससे दो चीज़ें होती हैं, नोट कर लीजिए कहीं, ये भी शायद पहली बार कह रहा हूँ। जब बाजार सस्ता हो जाता है आम आदमी के लिए, जो सस्ता दिखने लगता है, तो बाजार में एक तो वोलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है और दूसरा नीचे के स्तर ड्रामेटिकली खुल जाते हैं, बड़े स्तर बड़े लेवल पे, तो हाथ से बहुत हो जाते हैं। पहला रेजिस्टेंस 5720, दूसरा रेजिस्टेंस 5772 और तीसरा रेजिस्टेंस 5825 का है। तीसरा रेजिस्टेंस लिए चलता हूँ आप लोगों को चार्ट में।